जंगल में मंगल, यानी कि जंगल सेक्स, और एक सुपर फैंटास्टिक फैंटेसी जिसे बहुत लोगों ने अपनी टू डू लिस्ट में जरूर रखा होगा, और अगर नहीं भी रखा है तो इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली आप ये जरूर करना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपके गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। आज आपको तीन ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जहां पर सेक्स करने का सपना भी बहुत से लोगों के अंदर सेक्सी थ्रिल लेकर आ जाएगा। जी हाँ, जंगल। पुरानी बात थी जब लोग मजबूरी में जंगल में सेक्स करते थे, फिर ये कहें कि जंगल में सेक्स करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज के समय में ये आउटडोर सेक्स के लिए जंगल जो है सबसे अच्छी जगह हो सकती है, और अक्सर लोग ये ट्राई भी करते हैं, क्योंकि जंगल में आप क्या कर रहे हैं किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सुनने वाला होता ना देखने वाला होता, इस तरह से आप जो है कंप्लीट फ्रीडम के साथ आउटडोर सेक्स का मजा जंगल में ले सकते हैं। दूसरा है बीच। समुद्र में इमेजिन करते हुए ख्याल आपके अंदर आ गए होंगे, जिसमें ठंडी हवाएं, रेतीली जगह और खुला आसमान। बीच की वाइब्स ही आप जैसे ही सोचते हैं ना, तो आपका मन जरूर खुश हो जाता है। यहाँ पक्षियों की आवाज, लहरों का शोर आपको और भी ज्यादा एक्साइट कर सकता है। आप अपने आउटडोर सेक्स के लिए ऐसी जगहों को चूज कर सकते हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाले स्थान से किसी दूर आप समुद्र के साइलेंट बीच पर अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर सके। नेक्स्ट वन बताने से पहले आपको एक गाना सुनाऊंगी जिसमें आपको एक लाइन जरूर ध्यान में रखनी होगी। आफ्टर अर्थ, जिसमें एक लाइन है, आई जस्ट वाना डांस अमंग द स्टार, दीज आफ्टर अर्थ गॉट मी चार्ज्ड। अब अमंग द स्टार वाला डांस तो यहाँ पर आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आगे की बात है, लेकिन अंडर द स्टार आपको चार्ज जरूर कर देगा। जी हाँ, मैं बात करूँ रात में खुले आसमान के नीचे कैंपिंग की। रात के समय जब खुला आसमान और आप अपने पार्टनर के साथ समय गुजारने के लिए ऐसा कुछ प्लान करें, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप पास में किसी आग के पास बैठे हो तो ये सोने पे सुहागा हो सकते हैं, क्योंकि इस समय कैंपिंग का जो ये समय होता है बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। यहाँ पर आप स्लीपिंग बैग और पिल्लोज भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भी आप अपने आउटडोर सेक्स के लिए प्लान कर सकते हैं, जो आपको एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस जरूर देगा। अब गुड लाइफ की बोनस टिप का भी ध्यान रखना। आउटडोर सेक्स के लिए आप सेक्स करने से पहले ये जरूर जान लें कि आप जो है कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि सेक्स करना आपको भले ही एक अच्छा फील कराए, लेकिन आपको जो है दूसरों की नजरों से बचना भी जरूरी है। आपके लिए डेंजरस हो सकता है अगर कोई वहां पर आ जाए, क्योंकि उस दौरान जो है आप एम्बैरेसिंग मोमेंट को भी फेस कर सकते हैं। आपको कोई रिलेटिव अगर वहां पर आ जाए, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगह पर हो जहां पर परिवार के छोटे बच्चे आपको आवाज लगाते हुए आ जाए, तो अगर वो आपसे पूछते कि आप ये क्या कर रहे हैं तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। इसलिए आउटडोर सेक्स की जब भी आप प्लान करें तो हमेशा ऐसी जगहों को चूज करें जहां पर कोई दूसरा इंसान ना आए। इसके साथ ही आप अपने शहर या उस स्टेट के जो कानून है उसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आप किसके साथ जा रहे हैं ये भी जरूर ध्यान में रखें। वेल, आपकी भी क्या यही ख्वाहिश थी इनमें से किसी एक जगह जाने की, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, गुड लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए गुड लाइफ टॉक्स।